गणेशोत्सव म्हटला की सगळीकडेच उत्साह असतो, मग तो भारतातच नाही तर साता समुद्रा पारही। पण साता समुद्रा पार जाण्यापेक्षा हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं। पाकिस्तानातल्या कराची मध्ये गणेशोत्सव अगदी धूमधडाक्यात सेलिब्रेट केला जातो। गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती पुढच्या वर्षी। आणि याच संदर्भात सांगण्यासाठी आज मॉर्निंग नंबर 1 मध्ये होते विशाल राजपूत। गणपतीचा त्यौहार लई धूमधाम से मनाते। पानीपत का युद्ध हुआ था, शायद आपको मालूम होगा, महाराष्ट्रियन जो पानीपत का अफजाली के साथ युद्ध हुआ था तकरीबन काफी सौ साल पहले जी। तो उस टाइम जो पानीपत के युद्ध के अंदर कोई महाराष्ट्रियन जो भी थे वो यहाँ पे स्टे कर गए थे अपने अपने एरिया में, अफगानिस्तान एरिया में स्टे कर गए थे। तो कराची के अंदर भी जो है वो स्टे कर गए थे, ये वहीं से ही सिलसिला जो है ना वो यहाँ पे जो स्टे कर गए तो ये वहाँ से चला आ रहा। ऑल आवर रिलीजन फेस्टिवल इज वेरी पीसफुली एंड फ्रीडम। हम लोग यहाँ गुड़ी पावड़ा भी मनाते हैं। मेरी मम्मी महाराष्ट्रियन खरात फैमिली से मेरी मम्मी है जी। उनके घर में शुरू से होली पूजा, अब यहाँ पे तमाम घरों में महाराष्ट्रियन अक्सर लोग कथा करते हैं मंदिरों में घरों में। लेकिन फिर भी हमारे देश की यानी कि अपने वतन की कुछ तो बातें होंगी जो आप मिस करते होंगे। बिल्कुल मिस ये करता हूँ कि मेरे रिलेटिव वहाँ है जी और मुझे एक बार तो इंडिया आने का मौका मिले। मैंने यहाँ की वीजा पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट है और मुझे वहाँ पे अपने धाम घूमना है जी। ब्लड रिलेशन वहाँ पे है जी, वहाँ धार्मिक जो स्थान है शिरडी है, जेजुरी है, जेजुरी में हमारा जेजुरी जाना है मुझे। गणपति बापा मोरिया से गणेश चतुर्थी की बधाई देना चाहते हैं। गणपति बापा से इस दफा के लिए हमेशा के लिए मेरी यही प्रार्थना है कि एक दफा हम इंडिया आए। लोकमान्य टिळकांनी जेव्हा या उत्सवाची सुरुवात केली होती यामागचं मोटिव हेच होतं, लोकांनी एकत्र येऊन एक चांगली काहीतरी गोष्ट करावी, जे की आज सगळ्यात चालू आहे। मग त्यावर कोविड-19 संकट जरी आलं तरी सुद्धा लोक अगदी भक्तिभावाने बाप्पांची पूजा करतात। आणि बॉर्डर्स ह्या फक्त माणसांसाठी आहेत पण मनाच्या या ज्या बॉर्डर्स आहेत, भक्तिभावाच्या या ज्या बॉर्डर्स आहेत, त्या मुळात नाहीतच। 93.5 रेड FM बजाते रहो।